वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को फूडी मैनिक का सलाम पहुंचे। मेरे चैनल पर आने वाले तमाम मौजूद व्यूवर्स को खुश आमदीद। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही डिलीशियस व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। याद है कुछ टाइम पहले मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी और कहा था कि इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो ये लीजिए, इसकी डिटेल्ड वीडियो भी हाजिर है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये पास्ता जो है 3 स्टेप्स में बनेगा। पहले स्टेप्स में आपने इस 1 कप पास्ता को बॉईल कर लेना है, ठीक है। दूसरे स्टेप के लिए हमें चाहिए चिकन 1 कप, जिसको मैंने इस तरीके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप स्टेप्स में भी कट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने ली है 1 ग्रीन चिली, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो ना डालें। फिर हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट सॉल्ट लिया है, और चिकन पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, जो कि ऑप्शनल है, और बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली सॉस, सॉरी सोया सॉस और विनेगर है, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप के लिए हमें इसकी सॉस बनानी है। उसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 टेबल स्पून, यानी कि फ्लावर। उसके बाद हमें चाहिए उसके लिए बटर 2 टेबल स्पून। देन हमें चाहिए चीज़, चेडर चीज़ के आप स्लाइसेस यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास स्लाइसेस नहीं थे तो मैंने ये यूज़ कर ली। और हमें 1 कप जो है मिल्क चाहिए। तो चलें अब हम पैन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम जो है 1 टेबल स्पून जो है बटर डाल देंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। लेकिन आपने फ्लेम को स्लो रखना है ताकि आपका बटर सिर्फ मेल्ट हो, क्योंकि बटर ना बहुत जल्दी जल भी जाता है। तो आपने बटर को जलाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है, ठीक है। तो देखें, यहाँ हम इसमें बटर डाल रहे हैं। आप देखें मेरा जो बटर मेल्ट हो रहा है, जब तक थोड़ा थोड़ा हो गया है, तो मैंने इसमें अब चिकन डाल दूँगी। ये देखें, मैंने ये सारे चिकन जो है इसमें डाल दी है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब तक चिकन अपना कलर चेंज ना कर ले, मैं जब तक इसको फ्राई करते रहूँगी। यहाँ पर देखें, इसको हम फ्राई कर रहे हैं। जब ये अपना कलर चेंज कर लेगी तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट डाल दिया, चिकन का कलर आप देखें वाइट हो चुका है। अब हम इसको और फ्राई करेंगे, जब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर जो है गोल्डन सा ना हो जाए, लाइट लाइट। अब ये हो गया है तो अब इसमें सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे, ठीक है। देन हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ डालेंगे हाफ बचा लेंगे। ये हमने 1 टीस्पून लिया था काली मिर्च का पाउडर। ओके, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देन हम इसमें विनेगर डाल देंगे, जो कि 1 टेबल स्पून था, और 1 टेबल स्पून ही हमारे पास सोया सॉस था, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के जितना पानी डाल देंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। आप बगैर पानी के भी कुक कर सकते हैं, लेकिन पानी के साथ थोड़ी सी अच्छी गल जाती है, सॉफ्ट सी हो जाती है। तो अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, 10 मिनट्स के बाद मैं इसको खोलूँगी। लेकिन 10 मिनट्स हो गए, अब मैं यहाँ पे फ्लेम को तेज़ करके जल्दी जल्दी इसका पानी ड्राई करूँगी हल्का हल्का। और उसके बाद जो मैंने ग्रीन चिलीज कट करके रखी थी, आपको दिखाई थी, वो मैं डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप कर देंगे, ग्रीन चिलीज नहीं डालेंगे। मुझे पसंद है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली डाल दी। उसके बाद मैं इसमें चिकन पाउडर जो था हमारा, वो मैं हाफ़ डालूंगी। हाफ मैं सॉस के लिए बचाऊंगी, हाफ इसमें डाल दूंगी। ये देखिए मैंने हाफ चिकन पाउडर इसमें डाल दिया और हाफ जो है सॉस के लिए बचा लिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसका सारा पानी ड्राई कर लूंगी फ्लेम को तेज़ करके। ये देखिए इसका सारा पानी ड्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका सारा पानी ड्राई हो गया और अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो चलिए, तो चिकन को मैंने निकाल लिया और पैन को भी क्लीन कर लिया। अब मैं इस पैन में 1.5 टेबल स्पून जो है बटर डाल रही हूँ। ये देखें बटर को, अच्छा यहाँ पर जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो है, बिल्कुल दम वाली आंच आपने रखनी है। इससे ज़्यादा आंच आपने नहीं रखनी, वरना हमारी सॉस जल सकती है। अब देखें ये हमारा बटर मेल्ट हो रहा है। अब इसके साथ साथ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है मैदा, यानी कि फ्लावर डाल दूँगी। ये देखें यहाँ पर जो है बटर हमारा मेल्ट हो रहा है। देखें जो फ्लेम है ना वो बहुत स्लो है, मतलब एकदम ज़ीरो पर रखा हुआ है, दम वाली आंच पर। ये देखेंगे हमारा 1 टेबल स्पून फ्लावर है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी
और मैं इस फ्लावर को इतना पकाऊंगी कि इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाए और इसमें एक बहुत अच्छी सी जो है फ्रेग्रेंस आने लगे, खुशबू आने लगे। और हम इसको इसलिए पकाएंगे ताकि जो है ना इसका कच्चा टेस्ट ना आए। बस इस आप ध्यान रखें कि जले नहीं, आप बिल्कुल इसको दम वाली आंच पर पकाएंगे और जब तक इसको पकाते रहेंगे जब तक इसका कलर एक अच्छा सा ब्राउन ना हो जाए और इसमें खुशबू ना आए। ये हमारे यहाँ पे हो गया है। अब जब ये हो जाएगा तो इसके अंदर हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। ये देखें मैंने यहाँ पर जो है इसमें मिल्क ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब मिल्क के जो है मग को क्लीन करने के लिए जस्ट। अब जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बचे हुए थे, लाइक मैंने सॉल्ट बचाया था वो इसमें डाल दिया, देन मैंने काली मिर्च का पाउडर जो बचाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इसमें एक वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, जब भी मैंने आपको दिखाई नहीं, आप चाहें तो डालें, ना चाहे नहीं दिल चाहता या नहीं है तो ना डालें। बिल्कुल थोड़ी सी लूँगी, देखिए मैं अपने आपको हाथ पे लेकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी लूँगी। सफ़ेद मिर्च जिसको बोलते हैं ना, ये वो है, थोड़ी सी लूँगी और जो है इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मिल्क में हल्का सा बॉयल आ जाए जब तक मैं पकाऊंगी। और जब तक मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ना स्लाइस चीज़ नहीं थी तो मैंने चेडर चीज़ लिया, उसका ये मैंने इतना बड़ा पीस ले लिया, इसको मैं कट कर लूँगी। आपके पास स्लाइस चीज़ है तो आप उसमें दो स्लाइसेस यूज़ करेंगे और वो आपका डन हो जाएगा। स्लाइस यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा। आप देखें इसमें हल्की हल्की बबल्स आने शुरू हो गई, मतलब कि हमारे मिल्क में बॉयल आना शुरू हो गया। तो मैं अब जो है इसमें चीज़ डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने चीज़ कट कर ली थी, अब मैं इसमें डाल दूँगी। और मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है, उसको लो ही रखा हुआ है। और मैं इसको मिक्स करूँगी और चीज़ के मेल्ट होने तक मैं इस सॉस को जो है कुक करते रहूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, यानी कि दम वाली आंच पर। कि देखिए हम इसमें चीज़ को मेल्ट कर लेंगे, चीज़ मेल्ट हो जाएगी और हमारी सॉस पे थिक हो जाएगी। तो हमारे पास जो रिमेनिंग चिकन पाउडर था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है या आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये देखिए मेरा सॉस भी जो है थिक होना स्टार्ट हो गया। अब मैं फ्लेम मेरा और लो है, देखें ये यहाँ पे मेरा कितना थिक सा हो गया। बस मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, इसको इससे ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना वरना वो सारी हमारी पास्ता पे चिपक जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पास्ता में बॉईल कर लिया था। कैसे बॉईल कर रही है मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो आप पास्ता बॉईल करेंगे और हम इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड कर देंगे और जो हमने चिकन कुक करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे ये चिकन जो मैंने कुक किया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँ। इतना यमी यमी एंड सॉसी सॉसी चिकन है यार। खैर चले, मैंने इसको यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे जो है मैं इस पास्ता चिकन और सॉस को आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और वेल कम्बाइन कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये मिक्स कर लिया। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करके 2 मिनट के, जैसे हम बिरयानी को 10 मिनट के लिए दम देते हैं, तो इसको सिर्फ मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए मैं इसको दम दे दूँगी। मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि दम देने जब मैंने रखा था तो मेरी लाइट चली गई थी तो मैं खोल के नहीं दिखा सकती आपको। मैं डिश आउट करके और बाहर दिखाती हूँ। ये देखिए, हाँ जी, तो हमारा बहुत ही मज़े का वाइट सॉस पास्ता रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड एंड बी पॉजिटिव।